हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। तो क्वेश्चन है, इन फिगर बिलो ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, व्हाट फोर्स एफ मस्ट बी अप्लाई टू एम वन टू कीप एम थ्री फ्री फ्रॉम राइजिंग और फॉलिंग। एम वन दिया है 1 kg, एम टू 2 kg और एम थ्री 3 kg। तो ये हमें डायग्राम दिए और बोला है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस m1 वाले का एक्सेलरेशन a मानेंगे राइट साइड की तरफ। तो पहली इक्वेशन जो आएंगी वो आएंगी न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो फोर्स इज इक्वल टू, मैं इस पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूँ, तो फोर्स इज इक्वल टू मास। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन लगाने के लिए हम इस पर बैठकर देखेंगे m2 को। तो m2 को एक t लगेगी और एक स्यूडो फोर्स लगेंगी। स्यूडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लगती है, तो m2 इंटू a के बराबर लगेंगी। तो टेंशन शुड बी इक्वल्स टू m2 इंटू a। अब क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है इसलिए ये इक्वल है। इसके बाद हम m3 पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, ये इक्वेशन टू गई। m3 इज़ फ्री फ्रॉम राइजिंग और फॉलिंग, इसका मतलब है m3 के ऊपर जो y डायरेक्शन में फोर्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर भी टीम अज्यूम कर लेते हैं, तो t शुड बी इक्वल्स टू m3 g। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। अब हम सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दे, तो m2 into a शुड बी इक्वल्स टू m3 into g। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास m3g अपॉन m2, ये a की वैल्यू आ गई। और ये a की वैल्यू हम इक्वेशन वन में वापस पुट करते हैं, तो f1 की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी m1 प्लस m2 प्लस m3 into a की जगह m3g अपॉन m2। तो m1, अब हम वैल्यूज डालेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 इंटू m3 की जगह आएगा 3 और m2 की जगह आएगा 2 इंटू g, हमें 10 दिया है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 10 90 न्यूटन। तो ये आ जाएंगी फोर्स की वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।